स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको केक के लिए बनाने वाली व्हिप्ड क्रीम पाउडर से बताऊंगी जो बाजार में रेडीमेड पाउडर मिलता है। मेरे पास ये पिक का रेडीमेड व्हिप पाउडर है और ये वेज प्योर वेजिटेरियन है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे आप बहुत ही आसानी से केक डेकोरेशन के लिए व्हिप क्रीम बना सकते हैं। ये मैंने पैकेट को निकाल लिया है। ये करीब 50 ग्राम का पैकेट है। मैं इसको मेजरमेंट के लिए कप में ट्रांसफ़र कर लूँगी। देखिए अब मैं इसको एक बाउल ले लूँगी और उसमें डाल लूँगी। अब हमें इसी नाप से इसमें दूध डालना है, हमें इसमें ठंडा दूध डालना है। देखिए अब मैं क्या करूँगी, मैंने एक बाउल में कुछ आइस ले लिया है और इसको मैं इस पर रख दूँगी क्योंकि हमें इस मिक्सचर को एकदम चिल्ड रखना है। अब इसमें डाल दूँगी मैं दूध। देखिए जितना हमने व्हिपिंग पाउडर लिया था उतना ही मैं इसमें ठंडा दूध डाल रही हूँ। पहले मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी क्योंकि अगर हम डायरेक्ट विस्क करना स्टार्ट कर देंगे तो कई बार ये पाउडर जो है वो उड़ने लगता है। ये देखिए अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे एक इलेक्ट्रिक बीटर की सहायता से हाई स्पीड पर बीट करूंगी। आपको इसे करीब 2 से 3 मिनट पहले बीट करना है। देखिए आप देख सकते हैं कि हमारी जो बिकिंग कितनी अच्छी पिक्स के साथ रेडी होने वाली है। वैसे तो इसमें चीनी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी मैं इसमें 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी मिक्स कर और ये मैं डाल रही हूँ इसमें नींबू सर, जिसे नींबू का फूल भी कहते हैं। बस आप सिर्फ 2 छोटे छोटे दाने ही डालिए, उससे ज़्यादा ना डालिए। और अब हम वापस इसे बीट कर लेंगे। अब मैं इसे वापस बीट कर लूँगी। आप देख सकते हैं इस नींबू सत को डालने से क्या होगा, हमारी जो व्हिप क्रीम है वो एकदम परफेक्ट बनेगी और बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगी। तो अब इसे आप 2 से 3 मिनट और बीट कर लीजिए हाई स्पीड पर। देखिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी व्हिप क्रीम हमारी बनकर तैयार हो रही है। मैंने इसे करीब 2 मिनट हाई स्पीड पर बीट कर लिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितने अच्छे पीक्स बन चुके हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे पिक्स हमारे व्हिप क्रीम में बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट व्हिप क्रीम हमारी बनकर तैयार हुई है। देखिए इसकी पहचान ये है कि अगर आप बाउल को ऐसे उल्टा भी करेंगे तो ये नहीं गिरेगी, यानी कि ये परफेक्टली बनकर रेडी है। देखिए व्हिप क्रीम तैयार है। आप इससे केक, किसी भी चीज़ में आइसिंग कीजिए। अगर आपको ये व्हिप्ड क्रीम बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसे आप आइसिंग करने के लिए करीब 15 मिनट रेफ्रिजरेटर में रख दें और उसके बाद आप आइसिंग करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।